स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक नई वीडियो पर। जैसे कि आप लोग फाइनली गाइस आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ वापस से एक वन टैप हेडशॉट ट्रिक, वो भी M107 and M1014। जी हाँ गाइस, आप लोग जो है ये जो ट्रिक है मैं जो आज बताने वाला हूँ जिस ट्रिक को, उस ट्रिक को आप M107 and M1014 दोनों ही गन में यूज़ कर सकते हो गाइस। लेकिन ये एक बात ध्यान रखना गाइस, हर बार टिप्स एंड ट्रिक देखने में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बहुत सारे बंदे बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक देख के आ गए होंगे लेकिन उनमें नहीं लगा, वो बोल रहा है उस ट्रिक पे नहीं लगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है गाइस। एक बार टिप्स एंड ट्रिक देखे उसके बाद जाके आप लोग जो है प्रैक्टिस करना, एक दिन नहीं दो दिन नहीं कम से कम एक हफ्ते तक प्रैक्टिस करो भाई, उसके बाद देखना आपका जरूर से लगेगा, इस अच्छे से अच्छा हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको टू स्टेप पे समझाऊंगा, पहली अगर बंदा इधर उधर दौड़ रहा है या फिर जंप करके आपको मारने की कोशिश कर रहा है वहाँ किस तरीके से हेडशॉट लगा सकते हो वो, और एक दूसरा स्टेप हो गया हमारा जो खड़े होके मारते रहते हैं ना, बंदा अगर सीधा खड़े होके मार रहा है या फिर सीधा खड़ा है या फिर आपकी ओर जंप कर रहा है, ये चीज़ पे आप किस तरीके से लगा सकते हो। लेकिन गाइस ये चीज़ बताने से पहले आपको मेरा सेंसिटिविटी दिखा देता हूँ। बहुत सारे बंदे कमेंट्स करते थे कि भाई यार आप कितनी सेंसिटिविटी पे खेलते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस 100 to 100। और भाई लास्ट ये दो चीज़ स्नैपिंग स्कोप, स्नैपर स्कोप एंड फ्री लुक, ये दोनों छोड़ो गाइस, ये कोई मतलब का नहीं है, मैं उतना यूज़ नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सेंसिटिविटी की बात, एंड भाई बहुत सारे बंदे कस्टम एचयूडी भी पूछते हैं तो वो भी दिखा देते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पे कस्टम एचयूडी मेरा देख लो, मैं रिवील कर दिया मेरा कस्टम एचयूडी एंड सेंसिटिविटी दोनों ही, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे देखो गाइज सिंपली आपको, लेकिन ये याद रखना गाइज, स्विच बटन आपको जो है स्विच बटन इनेबल कर लेना है। तो आप लोगों ने देखा होगा गाइज बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे जैक FF हो गए, M10 हो गए, ये लोग जो है स्विच बटन इनेबल करके ही रखते हैं, क्योंकि गाइज वो लोग जानते हैं कि स्विच बटन से कितना ज़्यादा मूवमेंट फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये बात हो गई गाइज कस्टम एचयूडी एंड सेंसिटिविटी की। अब बात करते हैं मेन टॉपिक वन टैप हेडशॉट ट्रिक किस तरीके से काम करती है। तो दो ट्रिक मैं आपको बताने की बोल रहा था, इधर उधर भाग रहा है और एक खड़ा होके वाला, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस अगर सीधा खड़ा होके मार रहा है या फिर गाइस सीधा खड़ा होके आपको और जंप कर रहा है तो उसके में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे गाइस मेरे को जैसे मार रहा था ये बंदा, देखो गाइस, ठीक है। तो मैंने सिंपली करा क्या यहाँ पे कि रेड डॉट आने दिया, ठीक है। रेड डॉट कहीं भी रखो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है गाइस, ये एक बात ध्यान रखना। लेकिन गाइस वो सीधा खड़ा है तब की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर बंदा अगर सीधा खड़ा है, यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे क्लिप पे देख लो कि मैं जब मारने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरा जो है एम जो है उसके पूरे के पूरे चेस्ट पे है, फिर भी मैं रोटेशन ड्रैग हेडशॉट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा फायर बटन भी आपको देखने को मिल रहा होगा, फायर बटन ध्यान से देखोगे आप लोग को समझ में आ जाएगा ये ट्रिक, ठीक है। पहले मैं नीचे करा, उसके बाद राइट साइड से गोल करके घुमा करके उसके हेड की ओर मतलब रोटेट करा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एम मेरा कहाँ है, हेड की ओर है, फिर भी मैं रोटेट ड्रैग हेडशॉट यूज़ कर रहा हूँ तो लग जा रहा है यहाँ पे हेडशॉट। तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर बंदा सीधा खड़ा है या फिर आपकी ओर मार रहा है गोली, तो वहाँ पे गाइस आप लोग को जो है कहीं भी रेड डॉट रखना है। यहाँ पे देखो उसके पिछवाड़े पूरा उसके पीछे है, ठीक है, फिर भी मैं रोटेट ड्रैग हेडशॉट यूज कर रहा हूँ तो लग जा रहा है। तो यहाँ पे समझ गए होगे आप, अगर बंदा खड़ा है सीधा या फिर मार रहा है आपकी ओर, तो भाई उसको सिंपली आपको रोटेशन ड्रैग हेडशॉट यूज करना है, नीचे करना है फायर बटन एंड राइट से घुमा करके ऊपर की ओर ड्रैग कर देना है, ठीक है, इससे लग जाएगा। तो ये तो बात हो गई खड़ा है या फिर भाई आपकी ओर फायर कर रहा है तब की बात हो गई। अब बात करते हैं गाइस आप लोग को दिखा देता हूँ कि भाई अगर बंदा इधर उधर दौड़ रहा है या फिर इधर उधर जंप कर रहा है उसको किस तरीके से लगा सकते हो। तो यहाँ पे गाइस आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो गाइस वहाँ पे जब मारने के लिए जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को हेडशॉट लग जाती है पूरी, उसके बाद देखो क्या होता है। यहाँ पे देखो गाइस सिंपली मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा सबसे पहले एम को देखो, ध्यान से देखो एम मेरा वाइट है और मैं बाद में उसके हेड की ओर ले रहा हूँ। तो उसके बाद देखो एम तो हो गई वाइट, अब फायर बटन को देखो, फायर बटन मेरा पहले कर रहा हूँ नीचे की ओर, नीचे करा फिर उसके बाद जो है उसके हेड की ओर तेजी से स्वाइप करा तो वहाँ पे हेडशॉट लग गया। यहाँ पे देखोगे ध्यान से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अगर बंदा इधर उधर दौड़ रहा है या फिर इधर उधर जंप कर रहा है तो वहाँ पे किस तरीके से लगा सकते हो। यहाँ पे भी सिंपली वही गाइस, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पे वाइट एम है और मैं नीचे थोड़ा सा करा और वो जिस साइड दौड़ रहा था उस साइड मैं उसके हेड की ओर ड्रैग करा। तो सबसे पहले गाइस ये ध्यान देना, पहले नीचे करना, ये ध्यान देना गाइस, डायरेक्ट ऊपर खींचोगे ना वो हवा पे चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले मैं नीचे करा थोड़ा सा और उसके बाद उसके हेड की ओर ड्रैग करा तो यहाँ पे हेडशॉट लग गया।
तो उम्मीद करूंगा यहाँ पे जो है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अगर बंदा सीधा खड़ा है तो वहाँ पे गैस आपको रेड डॉट आने देना है और रोटेशन ड्रैग एट सॉर्ट, मतलब कि गैस फायर बटन को नीचे से लेके राइट साइड से घुमा के आपको ऊपर की ओर ड्रैग कर देना है। अगर बंदा इधर उधर दौड़ रहा है या फिर इधर उधर जंप कर रहा है तो वहाँ पे गैस वाइट एम रखे रहना है और वाइट एम से नीचे की ओर पहले फायर बटन को ड्रैग करना है, उसके बाद जो है उसके हेड की ओर ड्रैग कर देना है। होपफुली गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से आप जो है वन टैप हेडशॉट लगा सकते हो, सुपर फास्ट वन टैप हेडशॉट ट्रिक। ठीक है, इसके बाद गाइस एक ही काम बाकी है आपका, प्रैक्टिस। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोग जो है हेडशॉट लगाना स्टार्ट हो जाएगा, सुपर फास्ट वन टैप हेडशॉट। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस उम्मीद करूंगा आप लोग कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी, अगर कुछ ना कुछ हेल्प हुई तो जरूर शेयर वीडियो को एक लाइक और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी।